वन रक्षकों ने रात्रि गश्त के दौरान चेली चौक की तरफ आ रही एक जीप को टीम ने घटिया नामक स्थान पर पकड़ा। वन रक्षकों राहुल मानचंद चंचल भारद्वाज ने घटिया नामक स्थान पर रात्रि नाका लगाया हुआ था और रात्रि गश्त पर थे। रात्रि करीब 12 बजे घटिया की तरफ गश्त पर थे, तभी वहां एक जीप चेली चौक की तरफ से आई। टीम ने उसे शक के आधार पर रोका तो जीप में खैर लदे हुए थे। टीम ने जब जीप की जांच की तो इसमें खैर के मोचे भरे हुए थे। चालक इन खैरों से संबंधित कोई भी कागजात नहीं बता पाया। टीम ने जीप को कब्जे में लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मोड़ा ब्लॉक में अवैध कटान से संबंधित हमें शिकायतें मिल रही थी, लेकिन स्पॉट निरीक्षण जारी था जिससे संबंधित हमारी छानबीन जारी थी। तो इसी से संबंधित हम कल दिनांक 21 तारीख को करीब रात्रि करीब 11:30 बजे रात्रि नाका पर हम गश्त पे जा रहे थे। नाके लगाने की सख्त आवश्यकता थी क्योंकि अवैध कटान से संबंधित बहुत सी हमें शिकायतें मिल रही थी। इसलिए हम तीनों वन रक्षक, मैं वन रक्षक चंचल भारद्वाज, ये मेरे साथ वन रक्षक राहुल मोड़ा बीट, ये हमारे वन रक्षक प्लासला बीट मानचंद जी और एडिशनल चार्ज वन खंड अधिकारी मोड़ा, हम तीनों एक साथ रात्रि गश्त पर घटिया के पास जा रहे थे। तो करीब रात्रि 12:02 पे हमें एक गाड़ी आती हुई नजर आई जिसको हमने शक के आधार पर रोका। तो हमने छानबीन के दौरान पाया कि इस गाड़ी में अवैध रूप से खैर के लॉग्स भरे हुए थे। तो हमने इससे संबंधित ड्राइवर मनोज कुमार को पूछा कि इससे संबंधित आपके पास क्या दस्तावेज हैं, तो वो इससे संबंधित कोई भी हमें दस्तावेज दिखा नहीं पाए। तो हमने इस गाड़ी को सीज करके वन विश्राम ग्रीन निहारी में ला दिया है। आगामी कार्रवाई जारी है, इससे संबंधित आगामी कार्रवाई जब होगी तो हम इस पर विस्तार से आपको